बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। योगी से लेकर राजनाथ सिंह तक महागठबंधन की पोल खोल रहे हैं। वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। भाभी भैया दीदी चाची हो दादा दादी हो फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनाओ ये भैया अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ाओ ये भैया। कल से प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट में किन किन वादों पर जोर होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे जारी करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी गई है। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। उस आत्मनिर्भर बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, हरित क्रांति होगी, श्वेत क्रांति होगी, नीली क्रांति होगी और करोड़ों करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी से पहले चिराग पासवान ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, लेकिन चुनाव प्रचार को जज्बाती रंग देने से नहीं चुके। एलजेपी के अध्यक्ष ने मां के हाथों से दही खाया, पांव छुए, पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई और फिर बिहार की जनता के नाम वादों की फहरिस्त जारी कर दी। बिहार विकास की राह पर अब आगे चलने के लिए तैयार है, लोग जागरूक हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इस बार जीत कर रहेगा और इस बार जो सरकार होगी वो सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार होगी, बिहार की विकास वाली सरकार। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी बुधवार को बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में पार्टी ने अपने तमाम भूले बिसरे नेताओं के नाम पर भी कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें सरदार पटेल भी हैं और राजेंद्र प्रसाद भी। जो इकोनॉमी के जानने माने वाले लोगों से और बिहार के बजट की तुलना करके हमने इसमें वही बात रखी है जो हम कर सकेंगे। कल शासन में आने के बाद हम ये नहीं कहें कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना वो तो जुमला होता है, वह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। एलजेपी ने युवाओं के लिए वादे पर वादे किए तो कांग्रेस ने किसानों के लिए वादों की झड़ियां लगा दी। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी वादों का कौन सा पिटारा खोलती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यौरा।